अब हम एक नया टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक मेथड। जब आप कोई लॉन्ग आंसर्स को याद करना चाहते हैं या किसी बहुत ही लंबी लिस्ट को याद करना चाहते हैं या आप किसी सीक्वेंस को याद करना चाहते हैं, किसी पॉइंट को नंबर बाय नंबर पॉइंट्स को याद रखना चाहते हैं, इसको आप समझ जाएंगे। सिंबॉलिक का मतलब होता है इन सारे वर्ड्स या इन सारे आंसर के सामने एक नंबर लिखा हुआ था 1 2 3 4। एक थ्योरी का क्वेश्चन है और वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर एक्ट एक काम का मेथड हो सकता है आपके लिए। और ये है टेक्निक, इसका नाम है सिंबॉलिक मेथड या सिंबॉलिक टेक्निक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से और प्रोफेसर ब्रेनीवुड, और हम सीख रहे हैं माइंड टेक्निक्स और मेमोरी ट्रिक्स और टेक्निक्स। तो अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, ट्रिक और टेक्निक में क्या फर्क है? जब मैं कुछ डेमोंस्ट्रेशन दिखाता हूं या इस तरह की चीजें करता हूं तो अधिकतर लोग कहते हैं वाओ मेमोरी ट्रिक्स, आप हमें भी सिखाइए, ये ट्रिक क्या है, कैसे करते हैं, हमें भी सिखाइए। और मैं हमेशा मना करता हूं कि मुझे ट्रिक्स नहीं आते। अब ये आज हम जानेंगे कि ट्रिक होनी चाहिए या टेक्निक होनी चाहिए, तो आप बताइए क्या होनी चाहिए, राइट? तो इसको पहले समझ लीजिए। जब भी कोई आपसे कहता है ट्रिक्स या शॉर्ट ट्रिक से सीखिए, ट्रिक सीखिए इसकी, वो एक सही सेंटेंस नहीं है, हमेशा राइट टेक्निक होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है ट्रिक इज मैनिपुलेटिव, टेक्निक्स आर फंडामेंटल। ट्रिक व्हेन यू हाइड समथिंग, टेक्निक व्हेन यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग, यही अंतर है। ट्रिक और टेक्निक में अंतर होता है। दुनिया की कोई सी भी चीज हो फ्रेंड्स, आप उसे अच्छे से करने का टेक्निक सीख सकते हैं, आपको ट्रिक नहीं सीखनी है, ट्रिक एक शॉर्टकट है। इसीलिए मेमोरी ट्रिक्स नहीं, ब्रेन साइंस और मेमोरी टेक्निक्स को सीखिए। हर चीज का राइट टेक्निक होता है और बस यही हमें सीखना होता है। जैसे कि अब हम एक नया टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक मेथड। दोस्तों, जब आप कोई लॉन्ग आंसर्स को याद करना चाहते हैं या किसी बहुत ही लंबी लिस्ट को याद करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर थ्योरी याद करना चाहते हैं या आप किसी सीक्वेंस को याद करना चाहते हैं, किसी पॉइंट को नंबर बाय नंबर पॉइंट्स को याद रखना चाहते हैं, तो ये बड़ा ही काम का मेथड हो सकता है आपके लिए। और ये है टेक्निक, इसका नाम है सिंबॉलिक मेथड या सिंबॉलिक टेक्निक। अब इसको समझते हैं। जैसे कि यहां पर एक लिस्ट है, ये अपने आप में एक थ्योरी का क्वेश्चन है और वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट बताता है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो छोटे बच्चों से नहीं कराए जा सकते जिनकी उम्र 14 साल से कम हो, क्योंकि उस काम में या तो खतरा होता है, हजार्ड होता है, या फिर उस काम का असर बच्चों पर अच्छा नहीं हो सकता। इस वजह से एक एक्ट बनाया गया है, चाइल्ड लेबर एक्ट। अब ये एक्ट पूरा इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि पहला नंबर है बीड़ी मेकिंग, बीड़ी बनाने वाले काम में बच्चों को यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा है यहाँ पर कारपेट वीविंग, कारपेट बनाना, कालीन बनाने के काम में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, उस फैक्ट्रीज में बच्चों को नहीं रखा जा सकता जिनकी उम्र 14 साल से कम है। थर्ड है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट बनाने वाले काम में भी बच्चों को यूज नहीं किया जा सकता। फोर्थ है क्लोथ प्रिंटिंग, ऐसा काम जहां कपड़ों पर प्रिंटिंग होती है, डाइंग होती है, उसमें बच्चों को यूज नहीं किया जा सकता जिन बच्चों की उम्र 14 साल से छोटी हो। फिफ्थ है फायरवर्क और एक्सप्लोजन वाले काम, बारूद, पटाखे, फायरवर्क वाले काम में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। सिक्स्थ है सोप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन की फैक्ट्री, साबुन बनाने वाले काम में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। सेवन्थ है वूल क्लीनिंग एंड वीविंग, ये जो ऊन होती है, ऊन को साफ करना, ऊन को बनाना, उस काम में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। एट्थ है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री होती है ना, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, वहाँ छोटे बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है, लीगली उन्हें नहीं रखा जा सकता, वो इलीगल है। नाइन्थ है स्लेट पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो स्लेट चौक वगैरह बनती है उसमें भी छोटे बच्चों को यूज नहीं किया जा सकता जिनकी उम्र 14 साल से कम हो। टेंथ है कैश्यू एंड नट्स प्रोसेसिंग, काजू बादाम और जो नट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के काम में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। इलेवेंथ है इलेक्ट्रॉनिक एंड सोल्डरिंग इंडस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, सोल्डरिंग का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उसके बनाने प्रोसेस में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। ट्वेल्थ है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, अगरबत्ती बनाने वाले काम में बच्चों को यूज नहीं किया जा सकता। 13 है ब्रिक किल्न, ईंट भट्टे या ईंट जहां बनती है उस फैक्ट्रीज में बच्चों को नहीं रखा जा सकता, ब्रिक फैक्ट्रीज या ब्रिक किल्न में नहीं रखा जा सकता। 14 है कॉटन गिनिंग,
सूत कातना, सूत से कपड़े बनाना, उन कामों में बच्चों को नहीं रखा जा सकता, कॉटन वर्क में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। 15 है जैम्स कटिंग एंड प्रोसेसिंग। ये जैम्स होते हैं ना, जो ज्वेल्स होते हैं, जैम्स होते हैं, ये जो आपके हीरा पन्ना मोती, इनकी प्रोसेस करने में, कटिंग में, ऐसे कामों में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। 16 है लॉक मैन्युफैक्चरिंग, ताला बनाने वाले जो काम होते हैं, ताला बनाने वाली फैक्ट्री होती है, उसमें बच्चों को यूज़ नहीं किया जा सकता एज अ लेबर। 17 है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, कांच का जहां काम होता है वहां बच्चों का इस्तेमाल एज ए लेबर, एज ए वर्कर नहीं यूज किया जा सकता। 18 है डाई, डाइंग मैन्युफैक्चरिंग, जो डाई होती है ना, जिसमें केमिकल्स होते हैं, डाई होती है कलर वाली, उसको बनाने वाले काम में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। 19 है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाने वाले काम में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। और 20 है टबैको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, तंबाकू की कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बच्चे यूज नहीं हो सकते एज ए लेबर और वर्कर। तो ये पूरी लिस्ट है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। बताइए 5th नंबर पे कौन सा काम लिखा था यहाँ पर, या बताइए 11th नंबर पे कौन सा काम था जिसको बच्चे नहीं कर सकते। देखिए आपको याद नहीं आ रहा होगा, कुछ काम आपको याद आ रहे होंगे पर सीक्वेंस याद नहीं आ रही होगी। तो इसको याद करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूँ, जो आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ पढ़ाई वाली लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में। कई लोगों के नाम याद कर सकते हैं, कुछ काम याद रख सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट याद कर सकते हैं, घर से बाजार तक के कामों के लिस्ट याद कर सकते हैं, या कुछ जरूरी लोग जिनके बर्थडेट्स आपको याद रखने हैं या कोई सीक्वेंस आपको याद रखना है, तो उसमें काम में ले सकते हैं। तो चलिए, ये वैसे लॉन्ग आंसर का बहुत अच्छा मेथड है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अपने आप में लॉन्ग आंसर है और इस आंसर को पहले हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया, और पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद उन पॉइंट्स को याद करने के लिए अब हम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और वो टेक्निक है सिंबॉलिक मेथड या सिंबॉलिक टेक्निक। ये देखिए कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, इसको आप समझ जाएंगे। सिंबॉलिक का मतलब होता है इन सारे वर्ड्स या इन सारे आंसर के सामने एक नंबर लिखा हुआ था 1 2 3 4, और ये जो काम है उसको भी पिक्चर बनाए तो हमारा बेसिक हो जाएगा विजुअलाइजेशन, यानी कि दो विजुअल्स आ जाएंगे जिन्हें जोड़ते ही वो याद हो जाएंगे। करके देखते हैं, ये लिस्ट देखिए एक बार। 1 किंग, 2 आइज, 3 मंकी, 4 कार, 5 हैंड, हाथ। क्या आपने यहां पर कोई सीक्रेट पकड़ा? क्या आपको कोई लॉजिक समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? यस, यू आर राइट, यही तो लॉजिकल मेथड है, यही तो आपका ब्रेन का लॉजिक काम कर रहा है सिंबॉलिक के साथ में, कि जैसे कि इन नंबर का सिंबल आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि 1 के आगे किंग क्यों है? क्योंकि राजा एक होता है। 2 आइज, आंखें 2 होती है। 3 मंकीज, गांधी जी के 3 बंदर। 4 कार, कार के 4 पहिए। 5 हैंड, हाथ में 5 उंगलियां। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ नंबर को पिक्चर में बदलने के लिए आपने उसी नंबर का एक यूनिवर्सल सिंबल यूज किया। ये समझ में आ गया? चलिए इस लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। 6, क्रिकेट या सिक्सर, क्योंकि छक्का क्रिकेट में मारा जाता है, तो 6 के आगे हमें क्रिकेट को देख सकते हैं। 7, रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7, तो 7 के आगे हम रेनबो देख सकते हैं। 8, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के कितने हैंड्स होते हैं या लेग्स होते हैं? यस, यू आर राइट, 8, तो फिर 8 के आगे हम एक ऑक्टोपस देख सकते हैं। 9, दुर्गा माता, दुर्गा माता भारत में पूजी जाती है नवरात्रों में 9 दिन तक, और 9 देवियां मानी जाती हैं। तो इस तरह से आप 9 देवियों से या दुर्गा माता के पिक्चर से याद रख सकते हैं 9 नंबर को। तो 9 नंबर का सिंबल हो गया देवी दुर्गा माता। और 10, रावण, कॉमन सेंस से आ गया होगा, रावण के 10 सर। 11, हॉकी टीम, तुरंत याद आ गया होगा कि हॉकी टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। 12, अंडे, देखो अब याद आ रहा होगा कि, या लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि जो अंडे होते हैं वो 12-12 के सेट में आते हैं, डजन में आते हैं, तो 12 नंबर के अगेंस्ट हम अंडे देख सकते हैं। 13, काली बिल्ली, अब इसको समझते हैं। अमेरिका में या यूजुअली बहुत जगह पर 13 नंबर को अपशगुन नंबर माना जाता है, और हमारे भारत में काली बिल्ली का रास्ता काटना भी अपशगुन माना जाता है, तो मैंने यहाँ पर यह सिंबल यूज़ किया कि 13 के अगेंस्ट एक काली बिल्ली देख ली। 14, राम भगवान का वनवास, कितने साल का था? 14 ईयर्स का, तो बस आपको याद रहेगा 14 के अगेंस्ट राम भगवान देखिए, राम परिवार देखिए। 15, अब 15 के अगेंस्ट क्या दिमाग में आ सकता है? मेरे दिमाग में आया एक तिरंगा झंडा, क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाता है, राइट? 16, एक दुल्हन, क्योंकि दुल्हन जब श्रृंगार करती है तो 16 श्रृंगार माने जाते हैं, तो उससे एक नंबर याद कर लिया हमने 16 के आगे, एक अच्छी से तैयार हुई नई नवेली दुल्हन। 17, 17 खतरा,
17 एज इज ए खतरा एज, तो 17 खतरा में आप 17 के आगे एक खतरे का सिंबल देख सकते हैं। 18 वोटिंग एज, 18 साल का होते ही आप क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो जैसे ही 18 बोलूं आप एक बैलेट बॉक्स देखें या वोटिंग मशीन देखें ब्रेन में। और इसके साथ साथ 19 जलियांवाला बाग, बहुत ही इन फेमस मास्केर रहा है 1919 का जलियांवाला बाग, इसीलिए अधिकतर लोगों को याद रहता है 19। तो 19 के आगे हम जलियांवाला बाग अपने ब्रेन में देख सकते हैं, जहां बहुत सारे लोगों को जनरल डायर ने मार दिया था। तो बस ये एक पिक्चर हम देख सकते हैं 19। अब 2020 IPL, तो ये क्रिकेट हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इन सारे नंबर्स के अगेंस्ट अब आपके ब्रेन में पिक्चर्स आ गई। चलिए इसको हटाते हैं, एक बार रैंडमली पूछता हूँ, बताइए। 1 याद आ गया होगा, 1 किंग, यस यू आर राइट। 2 आईज, फैंटास्टिक। 3 कुछ याद आ रहा, 3 क्या होते हैं, मंकीज, गांधी जी के 3 मंदिर। 4 यस यू आर राइट, दैट इज कार के 4 पहिए। 5 फिंगर्स, 6 सिक्सर, 7 रेनबो, 8 अगर आपका मेरे बोलने से पहले ब्रेन में पिक्चर आ रहा है तो यू आर जीनियस, फैंटास्टिक, योर मेमोरी इज गेटिंग ट्रेंड, मजा आ गया। 8 यानी ऑक्टोपस, फैंटास्टिक। 9 यस दुर्गा माता। 10 रावण। 11 हॉकी टीम। 12 अंडे। 13 काली बिल्ली। ओके 14 राम भगवान का वनवास या राम भगवान। और 15 ओके फ्लैग होस्टिंग या फटाफट से बताइए, यस 15 अगस्त। और 16 एक दुल्हन नई नवेली सुलह श्रृंगार की हुई। और बताइए 17 यस 17 खतरा। 18 ओके वोटिंग एज। और 19 जलियांवाला बाग। और 20 IPL। ये लिस्ट याद रहेगी ना, तो एक तरीका था लॉजिक यूज किया हमने, तो हमें ये पूरे पिक्चर नंबर से याद रहे क्योंकि हमने लॉजिक का इस्तेमाल किया। अब इस लॉजिक से पिक्चर बन गया, इस पिक्चर से आंसर कैसे याद करेंगे, अब जल्दी से देखते हैं। ये रहा थ्योरी, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते थ्योरी कैसे याद करें, लॉन्ग आंसर कैसे करें, वही बता रहा हूँ। थ्योरी में से पहले कीवर्ड निकाल लिए, कीवर्ड को एक सीक्वेंस में जमा लिया, पॉइंट के साथ जोड़ लिया, और अब उन पॉइंट को याद करने के लिए टेक्निक को यूज़ करेंगे। करके देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ये देखिए अब ये सारे के सारे नंबर जो हैं उसमें ब्रेन में आपको पिक्चर लेके आना है। पहला काम था चाइल्ड लेबर एक्ट का बीड़ी मेकिंग, और 1 के अगेंस्ट पिक्चर था राजा। बस इमेजिन करो एक राजा बीड़ी पीता रहता है। 2 आईज, आगे लिखा है कारपेट, कारपेट वीविंग, तो कारपेट का पिक्चर आ गया। इमेजिन करो आपके घर में कारपेट है जिसकी आंखें हैं, कमाल हो गया, दीवारों के कान होते हैं, कारपेट के आंखें होती है, कहां जाए भैया। 3 गांधी जी के मंकी, आगे क्या लिखा है जल्दी से देखिए, यस यू आर राइट सीमेंट। तो याद कैसे करेंगे, गांधी जी के मंकी आपके घर पे सीमेंट लगा रहे हैं, दीवारों पे बंदर लगा रहे हैं। 4 कार के 4 पहिए, और आगे क्या लिखा है, क्लोथ प्रिंटिंग, आप बहुत सारे कपड़े प्रिंट कराने के लिए कार में भर के ले जा रहे हैं, और रिडिकुलस करना है, सारे कपड़े लाते हैं आप जमीन पे बिछाते हैं, उस पर कार चलाते हैं, कार के टायर चलाते हैं, उससे आप उसकी प्रिंटिंग करते हैं, तो ये याद रखिए आप। 5 ओहो 5 था फायरवर्क, और यहां पर है हाथ, ओहो हाथ जल गया, क्या हो गया, पटाखा, बड़े बड़े बम हाथ में फूट गए, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, पर अक्सर दिवाली पे रोज हर दिवाली पे हम देखते हैं कई बच्चों के हाथ में चोट लग जाती है, कई लोगों के हाथ जल जाते हैं, तो आपको याद रखना है 5 उंगलियां जल गई क्योंकि पटाखे हाथ में फूट गए, इससे याद रहेगा 5 एक्सप्लोजिव एंड फायरवर्क। 6 सिक्सर, और यहां पर लिखा सोप मैन्युफैक्चरिंग। इमेजिन कीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने छक्का मारने के लिए बैट उठाया, सामने वाले ने बॉल फेंकी, वो बॉल नहीं था वो तो साबुन था, रेक्सोना साबुन आ रहा है उड़ता हुआ, आपने साबुन पे शॉट मारा, वो साबुन गया सीधा बाथरूम में, याद रखिएगा इसको इस तरह से, राइट। अब आता 7 रेनबो, और यहाँ आगे लिखा वूल क्लीनिंग और वीविंग, तो जो वूल है ऊन है, आपने अपने घर पे एक जिद कर ली वाइफ से या मम्मी से कि इस बार मैं रोज अलग अलग तरह का स्वेटर पहनूंगा और वो रेनबो कलर का होगा, जो रेनबो के 7 रंग है, 7 दिन होते हैं, मैं 7 अलग अलग कलर का रोज स्वेटर पहनूंगा, तो अलग अलग कलर की वूल लेके आओ मेरे लिए स्वेटर बनाओ, या फिर बने बनाए वूल के स्वेटर लेकर आओ, बस इससे आपको इस सर्दी में ये 7 रंग याद रहेंगे। और 7th पॉइंट है वूल क्लीनिंग, ये भी याद रहेगा। 8 ऑक्टोपस, हर घर के आजू बाजू में आस पास में आप भी निकल जाइए, आपके 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होंगी, अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो याद आ गया, अब 8 नंबर कैसे याद रहेगा, ऑक्टोपस। इमेजिन करिए अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, वो इंसानी मजदूर नहीं, सारे ऑक्टोपस हैं, क्योंकि उनके 8 हाथ होते ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर ने उनको काम पे रखा हुआ है, ऑक्टोपस से करवा रहा है वो, राइट। इसके बाद में 9 दुर्गा माता या नवरात्रे, 9 दिन 9 देवियां, और यहां लिखा स्लेट पेंसिल्स। हमारे भारत में नवरात्रों के 9 दिन में पूजा होती है, और उसके बाद आखिरी दिन 9वें दिन
बहुत सारे बच्चों को बुला करके कुछ ना कुछ दिया जाता है ना, कन्याओं को दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। तो इमेजिन करिए आपके घर में नवरात्रों की पूजा हुई 9 दिन तक, और 9th डे पे 9वें दिन आपने बच्चों को स्लेट पेंसिल्स बांटे। इसको याद रखिएगा, 10 रावण, और आगे लिखा है कैशू एंड नट्स, काजू बादाम नट्स की प्रोसेसिंग के बारे में। रावण अपने 10 सर से काजू बादाम खाता रहता था। हम यहाँ पर एक दिन में 100-200 ग्राम काजू खाते, वो 10 किलो खा जाया करता था, इसीलिए शायद इतना तेज दिमाग था उसका, राइट। तो काजू बादाम की प्रोसेसिंग याद रहेगी रावण से। 10 नंबर पे 11 इलेक्ट्रॉनिक एंड सोल्डरिंग इंडस्ट्री। आप इमेजिन करिए कि हॉकी खेल रहे चक दे इंडिया की टीम के साथ में, और हॉकी टूट गई। अब हॉकी टूट गई तो हॉकी को ठीक कराने आप कहाँ गए, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, और वो भी वहां पर तार वार लगा करके सोल्डरिंग करके आपकी हॉकी ठीक कर रहे हैं। इसको इमेजिन कर लीजिए, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग इंडस्ट्री, हॉकी। हॉकी क्यों बोला मैंने, क्योंकि हॉकी टीम 11 नंबर, ये इससे याद रहेगा। 12 अगरबत्ती, और 12 का सिंबल था अंडे। इमेजिन करो आपने अगरबत्ती लगा रखी है अंडे में, हे भगवान ये क्या कर रहे हो आप, बस याद रखिए। 13 काली बिल्ली, और यहां पर लिखा है ब्रिक किल्न या ईट फर्नेस, ईट भट्टे का काम। तो इमेजिन करिए आपका रास्ता काली बिल्ली काट रही है, और उसे भगाने के लिए आपने ईट उठाई, उसे डरा रहे हैं उसको, भाग भाग ईट मार दूंगा, बस इसको याद रखिए, और काली बिल्ली भाग गई। तो इससे याद रहेगा 13 काली बिल्ली और ईट से ये सेंटेंस याद आएगा आपको, राइट, ब्रिक। 14 राम भगवान, राम भगवान वनवास के दिनों में क्या करते थे, वो हमेशा सूत काता करते थे, राइट, कॉटन गिनिंग करते रहते थे, और इसीलिए उनके शिष्य गांधी जी भी हे राम बोलते थे और सूत काटते थे। तो इससे याद रख सकते हैं आप कि राम भगवान वनवास के टाइम जंगल में सूत काटते थे, राइट। अब 15, और 15 का जो हमने सिंबल लिया था दैट वाज फ्लैग, नेशनल फ्लैग, और आगे लिखा है जेम्स या हीरे जवाहरात। इमेजिन करिए कि आपके कॉलोनी में, मोहल्ले में, सिटी में 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण हो रहा है, यानी कि फ्लैग होस्टिंग हो रही है, और चीफ गेस्ट आए हुए हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर कोई, वो जैसे ही फ्लैग होस्टिंग करते हैं उसमें से फ्लैग में से बहुत सारे हीरे जवाहरात, पन्ने, गोल्ड, ये सब गिर रहा है, राइट। वैसे तो फूल गिरते हैं, पर आपका शहर बहुत अलग है, बहुत अलग लेवल पर है, इसलिए वहाँ पर सोना चांदी हीरे मोती गिरते हैं। 16 दुल्हन, 16 श्रृंगार। इमेजिन करिए एक दुल्हन है, उसकी शादी हुई, और उसने 16 श्रृंगार में जो पहन रखी है ज्वेलरी, वो सब लॉक्स पहन रखे, ताले पहन रखे, राइट, क्योंकि यहाँ लिखा ताला। तो देखो, नाक में ताला, कान में ताले, हाथों में ताले, और ताला पहनी हुई दुल्हन जो है वो कहाँ पहुँच गई, सीधा अपने ससुराल आ गई। और अब दिक्कत क्या हुई कि चाबी अपने पियर में ही छोड़ आई अपने घर पे, तो वो अनलॉक भी नहीं हो रही है ना, बड़ा रिडिकुलस सा। तो याद रखिएगा 16 लॉक मेकिंग, और इस पिक्चर से वो याद रहेगा। 17 खतरा, और यहाँ पर लिखा है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। आप सुबह सुबह उठते सबसे पहले कांच में देखते हैं, है ना, ब्रश करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो आप कांच में देखने गए और देखा तो वहाँ पर खतरा बना हुआ है, और जैसे कांच के हाथ लगाया कांच टूट गया, बहुत सारे कांच चुभने के लिए तेजी से आपकी तरफ आ गए, आप भाग रहे हैं, बच रहे हैं, डर रहे हैं, कांच टूट गया है आपके देखने से। 17 खतरा ग्लास, बस ये याद रखिएगा, कांच में खतरा था, खतरा से 17, ओके। अब आता है 18, और यहाँ पर है वो इसका सिंबल तो हमने क्या बनाया था 18 का, दैट इज वोटिंग मशीन या बैलेट बॉक्स, और इसका यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, डाइंग, यानी कि कलर डाई। तो इमेजिन करिए आप 18 साल के हो गए, पहली बार वोट डालने गए, और आपकी उंगली पर क्या लगाई गई, डाई लगाई गई, राइट। तो इससे याद रहेगा 18, ओके। 19 जलियांवाला बाग, और यहाँ पर लिखा है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो कैसे याद रखेंगे, इमेजिन करिए कि 1919 यानी जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में आपने देखा चारों तरफ आग लग रही है, जलियांवाला बाग जलता हुआ बाग, लोग मर रहे हैं, और आपने आग बुझाने के लिए क्या यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि जितना भी वहाँ पर कीड़े मकोड़े वो भी हट जाएं और आग भी बुझ जाए। तो अब बड़ी अजीब बात है, इससे तो आग उल्टा भड़केगी, पर जितना रिड्यूस होगा उतना याद रहेगा। तो आप बेगोन का या किसी न किसी का स्प्रे कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आता है 20, IPL 2020, ये हमारा सिंबल था, और यहाँ लिखा है टबैको मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको कैसे याद करें, अब भैया क्या होता है कि जब हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, तो हर अलग अलग कंट्रीज़ के क्रिकेटर्स थोड़ी देर बाद खेलने के बाद जब थक जाते हैं तो एनर्जाइज होने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, कोई जूस पीता है, कोई एनर्जी ड्रिंक पीता है। अब हमारे तो भैया भारतीय लोग हैं, यहाँ तो लोग जुबा केसरी बोलते हैं,
है कि नहीं। तो जो भी महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सारी की सारी टीम खड़ी हुई है, आईपीएल क्रिकेट खेल रही है, बीच में ब्रेक हुआ, सब ने अपनी पॉकेट से निकाला विमल के सरयुक्त जाने क्या क्या, और फटाफट तंबाकू का सेवन करके पूरी एनर्जी हो गई, अलग कहानी है, राइट, है ना कमाल की बात। तो 20 से आपको याद रहेगा टबैको मैन्युफैक्चरिंग। फ्रेंड्स, ये रिडिकुलस चीजें हैं और रिडिकुलस ब्रेन को जल्दी रजिस्टर होता है, इसीलिए ये सारी बातें आपकी मेमोरी पर डायरेक्ट असर डाल रही है। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं और जल्दी जल्दी आपसे पूछता हूं, मैं हिंट दूंगा, देखते हैं आपके ब्रेन में क्या आता है। हमने याद किया है चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, 14 साल से छोटे बच्चों से कौन कौन से काम नहीं कराए जा सकते। ओके, वन किंग, जल्दी से बताइए। यस यू आर राइट, बीड़ी मेकिंग, देखो एकदम याद आ गया, राजा बीड़ी पी रहा था। टू आईज, आईज कहां पर थी? यस यू आर राइट, कारपेट, तो बस यही आंसर है, कारपेट वीविंग। थ्री, गांधी जी के तीन बंदर क्या कर रहे थे? स्पेशल बात बताइए। यस यू आर राइट, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो यही आंसर है। ओके, फोर, कार प्रिंटिंग, क्लोथ प्रिंटिंग, जल्दी से बताइए क्या? यस यू आर राइट, दैट इज फंटेस्टिक, 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 आपको याद आ गया है क्लोथ प्रिंटिंग, तो ये कार से याद आया है, उन चार टायर से याद आया है, ये याद रखिएगा। और फाइव, ओके, हाथ चल गया था, फाइव कुछ याद आया, यस यू आर राइट, दैट इज पटाखे, फायरवर्क्स, एक्सप्लोसिव, यही तो आंसर है फिफ्थ नंबर पे जो लिखा है। सिक्स, आपने छक्का मारा, किस पे मारा? यस यू आर राइट, सोप पे मारा, तो साबुन इज द आंसर। ओके, दैट्स ग्रेट, तो सोप मैन्युफैक्चरिंग यहां पर आंसर है छठे नंबर पे। सेवन, सेवन का बताइए, सेवन रेनबो, मैंने आपको हिंट दिया, जल्दी से बताइए। यस यू आर राइट, वूल, 7 दिन अलग अलग तरह के स्वेटर, याद आ गया आपको। ओके, तो वूल क्लीनिंग इज द राइट आंसर। ओके, एट, ऑक्टोपस, इतना सा मैंने बोला, देखो आपको ब्रेन में आ चुका होगा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यस, आपको दिखाई दे रहा होगा सारा, जो मजदूरों की तरह काम कर रहे थे ऑक्टोपस। ओके, नाइन, दुर्गा माता, क्या याद आया, ओके, ब्रेन में आ भी गया यार, तुम जीनियस हो। स्लेट पेंसिल्स, फंटेस्टिक। 10, रावण के सर, कुछ याद आया? ओह, काजू बादाम दिखने लग गए आपको, तो बस आंसर भी यही है, कैश्यू एंड नट्स प्रोसेसिंग। ओहो, 11 पूछता हूँ जरा सा, जरा ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जल्दी से बताओ। 11 हॉकी टीम याद आ गया, ओह गुड, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोल्डरिंग आपको अगर याद आ रहा है तो यू आर जीनियस। 12, अंडा, देखो आपको दिख गई अगरबत्ती, राइट, तो ये आंसर है, 12 पे लिखा हुआ है अगरबत्ती मेकिंग, है ना। और 13 क्या नजर आ रहा है, कुछ काली बिल्ली से कुछ याद आ रहा है? अगर आपको आपके हाथ में ईट दिख गई तो ईट इज द आंसर, ब्रिक किल या ब्रिक फर्नेस इज द आंसर। ओके, 14, राम भगवान, मेरे बोलने से पहले आपके ब्रेन में आ गया कॉटन, तो कॉटन गिनिंग इज द आंसर। 15, झंडा, हमारा तिरंगा झंडा, कुछ याद आया? यस, जेम्स एंड ज्वेल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो यही आंसर है, जेम्स नट कटिंग एंड प्रोसेसिंग। इसके बाद में जल्दी से बताइए, नेक्स्ट 15 के बाद आता 16 मैंने बोला था 16 श्रृंगार दुल्हन, कुछ याद आया? आपको हंसी भी आ गई होगी साथ साथ ही, तालों में बंद दुल्हन, तो आंसर है लॉक मैन्युफैक्चरिंग, ताले। जो भी आंसर की अजीब और हंसीदार बात है ना, वो रियल में आंसर ही होता है, इसकी यही तो खासियत है। सबसे रटने वाला जो बोरिंग काम था वो रिडिकुलस भी हो जाता है, एंटरटेनिंग भी हो जाता है, मजा भी आने लगता है, याद भी हो जाता है। इसी तरह से 17 खतरा, देखो आपको दिखा वो कांच, छूटे हुए कांच आपकी तरफ आ रहे हैं, याद आ गया आपको, तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। 18 कुछ याद आया? 18 से मैं कहता हूँ वोटिंग एज, कुछ याद आया? यस, डाइंग, तो डाइंग एंड कलरफुल डाई का जो केमिकल का काम होता है वो बच्चों से नहीं करा सकते, यहीं पे लिखा है डाइंग मैन्युफैक्चरिंग। और इसके साथ साथ देखिए 19 यानी जलियांवाला बाग, जलता हुआ बाग, कुछ याद आया? यस यू आर राइट, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक की कंपनी में बच्चों को काम में नहीं रखा जा सकता। और 2020 IPL क्या नजर आया अब आपको? यस यू आर राइट, बोलो जुबा केसरी, दैट इज फैंटेस्टिक, टबैको मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी लिस्ट आपको याद है, और आपको कमाल की बताऊं, ये लाइफ का पहला आंसर है जो आप कहीं से भी पूछेंगे आप बता देंगे। चलिए मैं बीच में से पूछता हूँ, बताइए 7 नंबर पे कौन सा काम था? 7 रेनबो, देखो आपको ब्रेन में आ गया होगा स्वेटर यानी वूल क्लीनिंग। बताइए 14 राम भगवान, देखो एक झटके में आपको याद आ गया कॉटन गिनिंग। बताइए 12 अंडे, मैंने बोला, देखो ब्रेन में आ गया अगरबत्ती। अच्छा बताइए यहाँ पर 16 नंबर पे कौन सा काम था? 16 दुल्हन, एक सेकंड में याद आ गया, लॉक्स। तो ये जो कमाल है ना, यही आपकी परमानेंट मेमोरी भी है। तो अब आपको क्यों याद है? क्योंकि आपने नंबर को पिक्चर में बदला। जब आप किसी को इस तरह से डेमो देंगे या किसी और चीज़ का डेमो देंगे जहाँ पर कोई नंबर वाली चीज़ें हैं, तो लोग बोलेंगे अरे नंबर से भी याद है। आप मन में बोलना, अब नंबर से तो याद है भाई, क्योंकि अब नंबर मेरे लिए सिंबल है, पिक्चर है। मज़ा आया आपको? अच्छा लगा आपको ये मेथड? मेमोरी भी ट्रेंड हो गई और मजा भी आया। थैंक यू सो मच, इसी तरह से देखते रहिए, जुड़े रहिए ब्रेनीवुड मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मैं हूं प्रोफेसर ब्रेनीवुड विनोद शर्मा, और ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस को फाउंडर एंड ट्रेनर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ब्रेनीवुड, इंडियाज बेस्ट इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। डाउनलोड द ऐप नाउ।